Are you blind? इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आई तुम्हें? साहब आपकी गलती है, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे। आप एक तो मेरी गाड़ी को हिट किया, ऊपर से मेरे आगे जबान चला रहे हो। हटो हटो, छोड़ो इन्हें, मैंने कहा छोड़ो इन्हें। शर्म नहीं आती तुम्हें? कमजोर पर हाथ उठाते हो। एक तो गलती की तुमने, ऊपर से उनको मार रहे हो। गाड़ी चलाते वक्त सोच लिया करो कि जमीन पर इंसान भी चलते हैं। लेकिन तुम जैसे अमीर जादों को इस बात की परवाह कहाँ? सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही हूँ? छोड़ो इनको। और अगर ना छोड़ो तो यूं कहो ना कि सीधी बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। छोड़ो इनका गिरेबान, छोड़े या नहीं छोड़े, छोड़ो 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 छोड़ो। बाबा आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। लगी तो नहीं आपको? ठीक है ठीक। भैया इनको लेकर जाएं, पानी वगैरह पिलाए इन्हें। आशिकी को तूने जिद कर दिया है, मन्नतें भी मानी, कसमें उठाई, मेरी दुआ को तूने रद्द कर दिया है। हम तो नसीब से हार गए हैं, एक दिल बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? जी। बहुत गर्मी थी ना? नहीं करे अम्मी। हाँ गर्मी तो थी। सब खैर है ना रोज बेटा? क्यों, आपको क्या लग रहा है? चेहरा पढ़ लेती हूँ तुम्हारा, माँ हूँ तुम्हारी, कुछ हुआ है क्या ये सब? हाँ वैसे हुआ तो है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? अम्मी मुझे तो लगता है कि अमीर आदमी को यकीन है कि गरीब को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, और गरीब तो इस दुनिया में अमीर की ताकत सहने के लिए ही पैदा हुआ है। रुच मुझे सही से बताओ हुआ क्या है, मुझे खुलकर पूरी बात बताओ। मैं रोड पर खड़ी थी अम्मी, एक बड़ी सी गाड़ी में लड़का आया और एक बाइक वाले को मारने लगा, और लोग खड़े तमाशा देख रहे, कुछ भी नहीं कोई कह रहा आकर, और मैं खुद देख रही थी कि बाइक वाले का बेचारे का कोई कसूर ही नहीं था। या अल्लाह, खुदा ना खास्ता
तुम इस सब झगड़े में तो नहीं कूद गई? अगर मैं ना कूदती तो वो लड़का तो उसको मार मार के उसकी हालत बिगाड़ देता। लेकिन मजे की बात तो सुने, परेशान क्यों हो रही है? आपको पता है जब मैं उसके पास गई, मैंने उसको बोला कि तुम क्यों मार रहे हो उसको, हटो यहाँ से, तो जैसे उस लड़के को सांप सूंघ गया, कुछ बोला ही नहीं, बस मुझे देखता रहा चुपचाप और बस चुप। रोज मेरे बच्चे, ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे होती हैं, भरे पड़े ऐसे लोग। एक बात बताओ, तुम किस किस को रोकोगी? अम्मी, अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा हो तो मैं तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे बच्चे, लोग दुश्मनियां पाल लेते हैं, तुम मुझे बताओ तुम पराई आग में क्यों कूद रही हो? अम्मी, आग को बुझाया भी तो जा सकता है ना। अच्छा, तुम जाके कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा बनाकर लेके आती हूँ। और हाँ, आज मैं अपनी गुड़िया के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। ये अब्बा कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे। वो काम से बाहर गए हैं और कह के गए हैं देर से आएंगे। अम्मा के इंतकाल को पूरे 7 साल हो गए। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है ना। अम्मा के जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे इस घर में रहना मुमकिन ही नहीं होगा, दम घुटेगा यहां। मुझे भी अम्मा की कमी बहुत महसूस होती है भाभी, मगर क्या कर, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता। अम्मा के गुजर जाने के बाद मैं तो सोचती थी कि इस घर को छोड़ के चली जाऊं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती भाभी, इस घर के कोने कोने में मेरे सलमान के बचपन की यादें बसी हुई। लेकिन शायस्ता भाभी, आपको इस मोहब्बत का एहसास कैसे हो सकता? आपके औलाद नहीं है ना? विसाई, क्या तोड़ दिया? एक तो इन्हें काम भी नहीं करना आता ना।